दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इन दिनों ना योगी जी हेलीकॉप्टर में बैठकर एक जिले से दूसरे जिले प्रचार के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है जिसमें योगी जी हेलीकॉप्टर से नीचे कैमरे को दिखाते हैं कि वो देखो बुलडोजर खड़े हैं मेरी सभा में। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। तो सीएम योगी के बुलडोजर नाम से पोस्टर लगाकर भी इन दिनों योगी जी की सभा में बुलडोजर सजाए जा रहे हैं। योगी के बुलडोजर नाम से ऐसी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। तो योगी जी भी हेलीकॉप्टर से कैमरों को दिखाते हैं कि वो देखो मेरी सभा में कैसे बुलडोजर खड़े हुए हैं। लेकिन एक सरकार के मुखिया को क्या वाकई अपनी सभा में बुलडोजर दिखाने चाहिए या ये दिखाने चाहिए कि वो देखो पिछले 5 साल में मेरी सरकार में कितने अस्पताल बन गए, वो देखो पिछले 5 साल में मेरी सरकार में कितने स्कूल बन गए, कितने स्टेडियम बन गए, है ना? मुख्यमंत्री लेकिन 5 साल की सरकार के बाद दिखा क्या रहे हैं, सभा में लगे बुलडोजर। हालांकि देखने वालों ने यह भी कुछ दिन पहले ही देखा था कि ऐसे बाराबंकी में योगी जी की चुनावी सभा में किसानों ने 500 मीटर की दूरी पर मैदान में सैकड़ों सांड छोड़ दिए। हालत ही होगी कि वहां जो पुलिस थी अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने बहुत ही मुश्किल से बांस बल्ली लगवाकर आवारा जानवरों को रैली में आने से रोका। किसानों का कहना था कि सीएम को पता चलना चाहिए कि गाय और सांड यानी छुट्टा जानवर कितनी बड़ी समस्या किसानों के लिए हो गए हैं यूपी में। सोचिए जो प्रदेश खुद मोदी सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मापदंडों में देश में सबसे फिसड्डी राज्यों में से एक है, वहां के सीएम कैमरे को चुनाव से पहले क्या दिखा रहे, वो देखो मेरी सभा में बुलडोजर। आप योगी के बुलडोजर नाम से हो रही उत्तर प्रदेश चुनाव में इस ब्रांडिंग को किस तरह से आंकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हमारी वीडियोस पूरी जरूर देखा करिए क्योंकि एक बार फिर से हमारा चैनल खड़ा होने का प्रयास कर रहा है और पुरानी व्यूअरशिप हम तभी वापस हासिल कर पाएंगे जब आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। शुक्रिया।